गुड इवनिंग एवरीवन, श्रोताओं में दोस्त और परिवार के लोग हैं, बहुत हार्दिक स्वागत है और स्वागत है मुख्य अतिथि और आर्बेन का। मैं कल उनके ऑफिस में था उन्हें निमंत्रण देने के लिए और उन्होंने इतने सवाल पूछे बिटकॉइन के बारे में, ये मेरे लिए हैरान कर देने वाला था। इनके सवालों के जवाब देते देते मैंने कल इन्हें पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन ही दे दी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बोर ना हो। मुझे लगता है कि इस मुद्दे की शुरुआत इन शब्दों के साथ करनी चाहिए जो लिए गए हैं फिल्म दे दनादन से। क्या बात है, क्या चीज है पैसा, क्यों पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तू मरती है। मैंने ऐसी पंक्तियां इसलिए चुनी क्योंकि ये शब्द हमारी जिंदगी में पैसे की अहमियत को बखूबी बताते हैं। हम लोग हर दिन नई तकनीक से रूबरू होते हैं जो हमारा आचरण बदलती हैं, लेकिन कभी कभी हम लोग ऐसी चीजों के संपर्क में आते हैं जो सब कुछ बदल देती हैं। ये समाज के मूल ढांचे को ही बदलकर रख देती हैं। आज का कार्यक्रम भी ऐसे ही बड़े बदलावों को समर्पित है जो हमारी मुद्रा में बदलाव के बहुत करीब है। तो यहां बैठे सभी लोगों के लिए जानना क्यों जरूरी है कि ये बदलाव उन परिवर्तनों में से है जो बदलाव के पूर्वानुमान को भांपकर उससे फायदा ले पाएं। जैसे औद्योगिक क्रांति और तकनीकी क्रांति का पूर्वानुमान करने वालों ने फायदा उठाया, ठीक वैसे ही इस बदलाव में भी पूर्वानुमान की भविष्यवाणी से फायदा होगा, या कम से कम सबसे जरूरी और कठोर चीज पर अपना नियंत्रण रखें जो आपके पास है, आपके पैसे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं, हमें पैसा यानी मुद्रा क्यों चाहिए। क्या हमें पैसा सिर्फ और सिर्फ एक चीज के लिए चाहिए, ताकि हम अदला बदली की समस्या का हल ढूंढ पाएं? उस बिंदु से ज्यादा आपका पैसा और कुछ नहीं है, बल्कि एक तकनीकी समाधान है समाज की समस्या को हल करने के लिए। अगला विषय वो है, हम लोगों को पैसे की आवश्यकता क्यों पड़ती है, सच में क्यों। लगभग 11,000 साल पहले, मतलब कि 9,000 BC में, समाज और लोगों ने सबसे पहले अपनी दिनचर्या में उपयोग होने वाली चीजों को पैसे के रूप में इस्तेमाल किया, जैसे ग्रेन और कैटल और यानी अनाज, या फिर बीड्स और सीशेल्स, मतलब कि मनके या सीप, जो भी प्रकृति में मौजूद है। जैसे आप पत्थर या मिट्टी का उपयोग नहीं करेंगे, दरअसल वो चीज आसानी से मिलने वाली नहीं होनी चाहिए, अनमोल भी होना चाहिए, लेकिन ऐसी मुद्रा को पैसे की तरह उपयोग करने पर उसकी लंबा चलने की क्षमता भी बहुत जरूरी है। जैसे अनाज खराब हो जाता है, गाय और बैल मर जाते हैं, और ऐसे में आपका पैसा तो गया। इतना ही नहीं, जब आपको गाय को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना होगा तो भी आपको ये करना मुश्किल लगेगा, जबकि इसे तोड़ा भी नहीं जा सकता, यानी हिस्से भी नहीं किए जा सकते। जरा सोचिए, अगर आपके लोगों ने गाय को मुद्रा की तरह उपयोग करना शुरू कर दिया तो आप कैसे छोटी चीजें खरीदेंगे, ऐसे में आपको मुश्किल का पता चलेगा। और फिर 5,000 साल पहले, मतलब 4,000 BC के आसपास, अनमोल वस्तुओं का उपयोग शुरू हुआ, और ये तब शुरू हुआ जब अलग अलग जनजातियों ने एक दूसरे के साथ कारोबार करना शुरू किया। ऐसे में एकाएक हर कोई अनमोल वस्तुओं की उम्मीद करने लगा, क्योंकि एक जनजाति मनका और दूसरी जनजाति गाय का उपयोग कर रही थी, लेकिन हर कोई अनमोल धातु को चाह रहा था। ऐसे में अनमोल धातु वैश्विक मुद्रा यानी ग्लोबल करेंसी के रूप में उभरी, और इसका कारण ये भी रहा कि अनमोल धातु पहले की मुद्रा से बेहतर थी, लंबी चल सकती थी और इसे कहीं भी ले जाया जा सकता था। इसे पिघलाकर या तोड़कर कई हिस्सों में तब्दील किया जा सकता था, ताकि आप छोटे कारोबार के वक्त भी इस मुद्रा का उपयोग कर सको। फिर सिर्फ 1,000 साल पहले कागज की मुद्रा का जन्म हुआ। दरअसल ये तब हुआ जिन लोगों के पास सोना था, और इन लोगों ने अपने पास रखे सोने को जमा करवाना शुरू कर दिया। इस अनमोल धातु को चोरी से बचाने के लिए जमा करवाना शुरू किया गया। ऐसे में सुनार बैंकर्स बन गए, और जो सोना आप जमा करवाते थे उसके बदले में वो आपको पर्ची देता था जो आपके पास सबूत होता था कि आपने सुनार के पास सोना जमा करवाया है। तो कुछ ऐसे शुरू हुई कागज की मुद्रा की कहानी, और वक्त के साथ लोगों ने वक्त को बचाने के लिए सीधे हाथों हाथ सोने के कारोबार की जगह इन पर्चियों की अदला बदली शुरू कर दी। वास्तव में 1918 से पहले, यानी हम बात कर रहे हैं 100 से भी कम साल पहले की, मुझे यकीन है कि आप सब में से बहुत से लोग ये नहीं जानते होंगे कि सिर्फ अकेले US में 5,000 बैंक नोट्स मुद्रा चलन में थे, और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हर डॉलर को एक अलग बैंक ने जारी किया था, और आप सच में किसी भी मुद्रा को जारी किए गए बैंक में जाकर उसकी कीमत के हिसाब से सोने या चांदी के बदले में बदल सकते थे। जिस तरह की मुद्रा का उपयोग लोग 1918 से पहले कर रहे थे, उसे विशेषज्ञों ने गोल्ड स्टैंडर्ड का नाम दिया।
लेकिन पिछले 100 सालों में कुछ हुआ। 100 सालों में एक देश के बाद दूसरे देश गोल्ड स्टैंडर्ड से बाहर आ गए और जो मुद्रा हम अब उपयोग करते हैं उसे विशेषज्ञों ने फिएट मनी का नाम दिया है। और अगर आप इसका मतलब देखोगे तो आपको जानकारी मिलेगी कि ये एक ऐसा शब्द है और सिर्फ एक कारण है जिसके चलते इसका मूल्य है, और वो है इसकी आधिकारिकता, यानी किसी भी देश की सरकार ने इसे ये ताकत दी है और हम समाज का हिस्सा होते हुए इसे मानते हैं। तो कुल मिलाकर हम जिस मुद्रा का उपयोग करते हैं उसकी वास्तविक कीमत नहीं है, जिसकी है उसका हम उपयोग नहीं करते। और इस मुद्रा को अभी 100 साल से भी कम का वक्त हुआ है। तो चलिए अब देखते हैं कि जिसका हम प्रयोग कर रहे हैं उसमें मौजूदा दौर में बेहतरी का क्या मौका है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं पोर्टेबिलिटी की, यानी जिसे आसानी से ले जाया जा सके एक स्थान से दूसरे स्थान पर। अब तक मुद्रा के आदान प्रदान के लिए किसी तीसरे की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन जब पिछले कुछ सालों में हम पैसे को इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के माध्यम से यहां वहां भेजते हैं और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क में दिक्कत है क्योंकि पैसा हमारे सामने से नहीं जा रहा है, यानी हाथों हाथ नहीं जा रहा, ऐसे में हमें भरोसा करना पड़ रहा है किसी तीसरे पर, जैसे बैंक या क्रेडिट कार्ड कंपनी या क्लियरिंग हाउस, जिस पर हम दोनों को भरोसा है। मान लीजिए हम में से किसी का आपस में विवाद हो गया तो क्या होगा, या आप कह लो कि जिस मुद्रा का आदान प्रदान पिछले कुछ सालों में इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के माध्यम से किया जा रहा है, ऐसे में इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क कंपनीज बहुत ज्यादा ताकतवर हो गई हैं और अब उनके पास ये अधिकार आ गया है कि वो किसी को भी बैंक का हिस्सा बनने से रोक सकती हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आपके पास अच्छी क्रेडिट कार्ड रेटिंग नहीं है तो क्रेडिट कार्ड कंपनी आपको क्रेडिट कार्ड नहीं देगी, क्योंकि वो इतनी ताकतवर है और वो ये सब असल में कर सकते हैं, आपको इनकार कर सकते हैं नेटवर्क पर लेन देन करने के लिए। अब जरा सोचकर देखिए, ये मुद्रा के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि बेशक ये आपका पैसा है लेकिन इन इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क्स की इजाजत के बिना आप नहीं ले सकते। याद कीजिए, ऐसा कभी भी फिजिकल मनी में नहीं होता था। ठीक है, मुद्रा का लेन देन इलेक्ट्रॉनिक भी होना चाहिए ताकि आप फॉरेन इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के जरिए लेन देन कर पाएं, लेकिन आपके पास ये अधिकार होना चाहिए कि आप अपने पैसे का इस्तेमाल वैसे कर पाएं जैसा आप चाहते हैं, और वो भी बिना अपनी जानकारी दिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि कई बार ये जानकारी गलत तरीके से भी इस्तेमाल की जाती है। दूसरी बात मैं करना चाहूंगा बढ़ती हुई वैश्विक नागरिकता पर। पूरी दुनिया में वैश्विक जानकारी फैल रही है जैसे इंटरनेट, लेकिन हमारी मुद्रा आज भी बहुत ज्यादा देश की ही है। ये हमारे लिए बहुत आसान है कि देश में जो लोग हैं हम उनके साथ आसानी से लेन देन कर सकते हैं, लेकिन देश के बाहर नहीं। और अगर आप करते भी हैं, अगर आप उन कुछ चंद लोगों में से हैं जिनके पास इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड है या ओवरसीज बैंक अकाउंट है, तो भी उस लेन देन पर आपको टैक्स चुकाना होगा। ये एक तरह का शुल्क होगा जो ये सराफा बाजारी आपसे लेंगे, यानी कि एक्सचेंजर्स लेंगे, और ये 0.5% से लेकर कितना भी हो सकता है अगर आप बड़े व्यापारी हों। और वहीं अगर आप दुबई में काम करने वाले एक आम कर्मचारी हो और अपने घर हर महीने पैसा भेजना चाहते हो, तो यकीन मानिए इसमें सुधार की जरूरत है, खासकर इस बात को ध्यान में रखकर कि हम वैश्विक अर्थव्यवस्था में जी रहे हैं और पिछले साल हर दिन हमने $6 trillion का लेन देन किया है। ये आंकड़े 20% से ज्यादा जा रहे हैं। ऐसे में एक वैश्विक मुद्रा को बनाने का अवसर है ये देखते हुए कि वैश्विक स्तर पर लोग जुड़ रहे हैं। तीसरी चीज जिस पर मैं बातचीत करना चाहूंगा वो है फिएट मनी। दरअसल शुरुआती दौर में फिएट मनी की कोई गिनती नहीं थी और वो मुफ्त में बन रही थी, जिस कारण बेलगाम मुद्रास्फीति के हालात बनने की उम्मीद थी। मुद्रा नीति के तहत कृत्रिम रूप से सेंट्रल बैंक और देश की सरकार ने आपूर्ति को दुर्लभ बनाया, लेकिन कभी कभी अलग अलग वजह से, कभी अच्छी तो कभी बुरी, सरकार को मुद्रा बनानी पड़ती है। ये जंग में लड़ने के लिए हो सकती है या फिर मंदी में अर्थव्यवस्था को तेजी देने के लिए। ये स्थिति कभी कभी चुनावों को देखते हुए भी उत्पन्न होती है, और जब ये सब कुछ होता है तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, लेकिन हमारे पैसे की कीमत इस प्रक्रिया में कम होती है और यही होती है मुद्रास्फीति। और जब ये सब होता है तो बहुत ही नाटकीय अंदाज में बहुत छोटे वक्त के लिए बेलगाम मुद्रास्फीति की स्थिति भी बनती है। आधिकारिक मुद्रा के साथ जो सिर्फ 100 साल पुरानी है, अब तक 55 से ज्यादा बेलगाम मुद्रा के मामले कई देशों में सामने आ चुके हैं, और वो भी सिर्फ 100 के वक्त में। चलिए कुछ रोचक मामलों से आपको रूबरू करवाते हैं। 2001 में जिम्बाब्वे डॉलर हर 25 घंटों में अपनी आधे से ज्यादा कीमत को गवा रहा था, बल्कि एक वक्त तो ऐसा आया कि जिम्बाब्वे डॉलर ने ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की और 3 अंडों की कीमत 100 बिलियन हो गई थी।
ज्यादा पीछे ना जाते हुए साल 2014 की बात करते हैं। 2014 के आखिर में आप खुद सोचिए, रशियन रूबल्स और कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था है रशिया की, रशियन रूबल्स की कीमत में 40% तक गिर जाए और वो भी बहुत कम वक्त में, तो क्या हाल होगा। बल्कि 2014 दिसंबर में तो रूबल्स की कीमत 90% तक गिर गई थी। और हम एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस 1997 के बारे में तो जानते ही हैं कि कैसे हर देश की नेशनल करेंसीज की कीमत में बहुत छोटे समय के लिए गिरावट दर्ज की गई थी। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि जिस मुद्रा का हम उपयोग करें उसका 100 साल से पहले की मुद्रा की तरह मूल्य स्थिर रहना चाहिए, या फिर कहें कि बेलगाम मुद्रा स्फीति को रोकने वाला होना चाहिए, ताकि हमें ये विश्वास रहे कि मुद्रा की कीमत सुरक्षित है। जनवरी 2009 में एक अनजान शख्स ने, जिसका नाम था संतोषी नाकामोटो, इन्होंने एक ऐसा आविष्कार किया जो अब बहुत चर्चित है, इतना चर्चित जैसे इंटरनेट। कोई अंदाजा लगाएगा किस चीज का आविष्कार किया था इन्होंने? बिटकॉइंस का। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि बिटकॉइंस क्यों सबसे बेहतर मुद्रा है जितनी भी अब से पहले आई हैं। सबसे पहली चीज, बिटकॉइंस ऐसी पहली मुद्रा है जिसमें दोनों तरह से आप फायदा उठा सकते हैं, यंत्र यानी इलेक्ट्रॉनिक के जरिए और किसी इंसान से सीधा पैसा ले सकते हैं। बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक मनी की तरह ही आप एक बिटकॉइंस को विश्व के किसी भी हिस्से में बैठकर इधर उधर इंटरनेट से भेज सकते हैं। लेकिन वास्तविक मुद्रा में आपको किसी और की जरूरत नहीं होगी, और ये सब कुछ मुमकिन हो पाया है बेहतरीन तकनीक के कारण। इसका ये मतलब हुआ कि बिटकॉइंस में आप इलेक्ट्रॉनिक और वास्तविक मुद्रा का प्रयोग बिना किसी और दबाव के कर सकते हो। और अच्छी बात यह है कि इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल होते हुए भी आप अपने पैसे को जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं, और वो भी अपनी जानकारी दिए बिना। जिसका मतलब है कि भले ही ये आर्थिक रूप से व्यवहार्य हो सकता है, बैंकों को गांव तक पहुंचने के लिए गांवों में बैंक खोलने पड़ते हैं। अगर कोई गांव वाला बिटकॉइंस में खाता खोलता है या खोलना चाहता है, जिसे हम वॉलेट कहते हैं, तो उसे और कुछ नहीं, एक स्मार्टफोन चाहिए। और फिर बिटकॉइंस में कुछ पलों में ही खाता खोलकर उसके पास ताकत होगी इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड और विदेश में बैंक खाते की, जिससे अपने हाथों से वो किसी को भी कहीं भी पैसे भेज सकता है। सच में बिटकॉइन में वो काबिलियत है जिससे वो अग्रणी बन सकता है, और खासकर विकासशील देशों के लिए। दूसरी बात ये कि बिटकॉइन वैश्विक मुद्रा है। बिटकॉइंस तकनीक में भी बिल्कुल इंटरनेट की तरह है, जिसका मतलब ये हुआ कि बिटकॉइंस को ना तो कोई देश और ना ही कोई कंपनी चलाती है। ऐसे में किसी भी देश को बिटकॉइंस को वैश्विक मुद्रा की तरह अपनाने में कोई खर्च नहीं होगा। इतना ही नहीं, अदायगी के समय में भी हमें किसी और डेस्क की मुद्रा पर निर्भर नहीं रहना होगा, जैसे हम अभी यूएस डॉलर पर रहते हैं। आज के अखबार में भी ये सब छप रहा है कि यूएस संघ कुछ फैसले लेने वाला है जिनसे मुश्किल बढ़ सकती है। आपको किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिटकॉइंस को कोई काबू नहीं करता, और कोई करे भी तो कैसे। ऐसे में जब इसे कोई काबू नहीं करता तो ऐसे कोई बंद भी नहीं कर सकता, बिल्कुल वैसे जैसे इंटरनेट को कोई बंद नहीं कर सका। और अगर इसे बैन भी कर दिया जाए तो भी इसे बंद नहीं किया जा सका, जिसका मतलब साफ है कि यह पूरी तरह से वैश्विक है। तीसरी चीज, कोई भी मुद्रा रही हो इतिहास से लेकर आज तक, उसका अनमोल और दुर्लभ होना आवश्यक है। बिटकॉइन सॉफ्टवेयर इस बात का यकीन दिलाता है कि बिटकॉइन दुर्लभ है, जिसका मतलब है कि बिटकॉइन नेटवर्क में 21 मिलियन बिटकॉइन से ज्यादा बिटकॉइंस नहीं बनाए जाएंगे, जिनमें से 13 मिलियन बिटकॉइंस अब तक बनाए जा चुके हैं। तो ऐसे में आपूर्ति तय रहेगी और मांग लगातार बढ़ती रहेगी, जिसके फलस्वरूप बिटकॉइंस की कीमत ऊपर जाएगी, जैसा पुराने समय में हुआ करता था। इसका मतलब ये हुआ कि बिटकॉइंस एक अवरोधक रहेगा महंगाई के लिए और बेलगाम मुद्रास्फीति के लिए भी, बिल्कुल कीमती और अनमोल धातु की तरह। वही लोग इसमें भी उलझ जाते हैं जब मैं ये कहता हूँ कि सिर्फ मिलियन बिटकॉइंस ही बनाए जाएंगे और दुनिया में तो खरबों लोग हैं। ऐसे में ये बिटकॉइंस इतने लोगों के लिए कैसे पूरे होंगे? देखा जाए तो सही सवाल है, मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए सोने की कीमत कम है तो मैं कारोबार करूंगा किलोग्राम में, लेकिन जैसे ही सोने की कीमत बढ़ेगी तो सोने का कारोबार पहले ग्राम्स और फिर मिलीग्राम्स में शुरू किया जाएगा, कि गोल्ड एक अनमोल धातु है और इसे तोड़ तोड़ कर छोटा किया जा सकता है। बिटकॉइंस नंबर है, यानी इलेक्ट्रॉनिक टोकन, और इलेक्ट्रॉनिक टोकन को कितने ही कणों में विभाजित किया जा सकता है, बल्कि एक बिटकॉइन को अभी भी 8th डेसिमल के साथ विभाजित किया जा सकता है। हमारे देश की मुद्रा की तरह नहीं, जिसे सिर्फ 2nd डेसिमल तक ही विभाजित किया जा सकता है। 8th डेसिमल तक पहुंचने को संतोषी कहा गया है, ये बिटकॉइंस के फाउंडर के नाम पर रखा गया है। इसका मतलब है कि अगर आप एक बिटकॉइन के मालिक हैं तो असल में आप 100 मिलियन संतोषी के मालिक हैं। इसलिए चिंता न कीजिए, बिटकॉइंस की कमी नहीं आएगी।
तो चलिए, ये तो थी छोटी सी जानकारी, लेकिन कोई बिटकॉइंस का प्रयोग नहीं करता तो आप क्यों इस बारे में सोचोगे? चलिए इस धारणा को देखते हैं कि कोई बिटकॉइंस का प्रयोग कर ही नहीं रहा तो बिटकॉइंस का व्यापार विस्तार और बिटकॉइंस की पूरी दुनिया में विदेशी मुद्रा के व्यापार ने 2014 के अंत तक $23 बिलियन को छुआ, और ये बिटकॉइंस के व्यापार में 50% की छलांग थी, वो भी सिर्फ एक साल से कुछ ज्यादा वक्त में। वीसी इन्वेस्टमेंट निवेश बिटकॉइंस कंपनी में अब तक $0.5 बिलियन की राशि लोगों द्वारा लगाई जा चुकी है। सबसे बड़े बैंकों में एक सिटी बैंक्स के एक्स सीईओ, हम किसी बड़े मैनेजर लेवल के अधिकारी की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं एक्स सीईओ और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की, जिन्होंने $75 मिलियन का निवेश किया है बिटकॉइंस कंपनी में। विक्रम पंडित कहते हैं कि बिटकॉइंस में दुनिया बदलने की संभावना है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि बैंकों का भविष्य क्या होगा। हाल ही में 10 मार्च को, अभी तो 2 हफ्ते भी नहीं हुए, आप पेपैल के बारे में जानते हो ना? ये सबसे बड़ी पेमेंट कंपनियों में से एक है, और पेपैल, ईबे, एक्सपीडिया के फाउंडर और साथ ही और भी कई बड़े बड़े लोगों ने बिटकॉइंस में $116 मिलियन का निवेश किया है। $1 बिलियन कंपनी ने बिटकॉइंस को अपनाना शुरू किया, और खासकर यूएस में। हाल ही में सबसे बड़े नाम माइक्रोसॉफ्ट ने भी बिटकॉइंस को अपनी यूएस वेबसाइट्स में जगह दी है एक्स बॉक्स पॉइंट्स के लिए। वहां छोटे और मध्यम स्तर के व्यापारी भी अब दूर नहीं है, जबकि 60,000 व्यापारियों ने भी पूरी दुनिया में बिटकॉइंस को स्वीकार किया है, और इस आंकड़े में सुधार की उम्मीद के साथ इस साल के अंत तक ये आंकड़ा 1.5 लाख व्यापारियों के पार होगा। बिटकॉइंस में प्रतिदिन के हिसाब से निवेश 0 के बराबर ही रहता था, लेकिन अब कुछ सालों से यही निवेश 2014 के अंत तक 1 लाख के पार हो चुका है। बिटकॉइंस अकाउंट को वॉलेट्स कहा जाता है, और कुछ साल पहले तक ये वॉलेट 0 थे, लेकिन अब ये वॉलेट्स 8 मिलियन तक पहुंच चुके हैं। जबकि बिटकॉइंस एटीएम्स भी पूरी दुनिया में आपको आसानी से मिल जाएंगे। बिटकॉइंस के एटीएम बिल्कुल और एटीएम की तरह ही है। आप वहां जाइए, बिटकॉइंस को अपने स्मार्टफोन से ट्रांसफर कीजिए, और जिस देश में आप हैं वहां की मुद्रा लीजिए। इनकी कुल संख्या आखिरी जानकारी तक 300 है, बिल्कुल कानूनी है, और बिटकॉइंस नियमित रूप से विश्वास करने के लिए कानूनन है। लेकिन ये मैं अगले सेलिब्रिटी स्पीकर निशित भाई के लिए छोड़ता हूं, इस मुद्दे पर वो आपसे रूबरू होंगे और लोग क्या कुछ सोचते हैं बिटकॉइंस के बारे में। भारत के फेडरल रिजर्व बैंक के चेयरमैन कहते हैं कि वर्चुअल करेंसी दीर्घकालिक वादा है, जबकि रिचर्ड ब्रैंसन ने इसकी तुलना की और कहा कि बोल्ड टेक्नोलॉजी है। गूगल के सीईओ एरिक श्मिड ने इसे अपूर्व उपलब्धि कहा। पेपैल के को फाउंडर पीटर थील ने बिटकॉइंस को अपने आप की पहली मुद्रा बताया है, और कहा है कि बिटकॉइंस में दुनिया को बदलने की संभावना है। बिल गेट्स ने इसे टेक्नोलॉजी टूर डे फोर्स कहा, और लियोन लू, जो नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनी रहे, उन्होंने कहा कि हर जानकार को बिटकॉइन के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि यह दुनिया का सबसे जरूरी विकास हो। तो चलिए, अब हम पहुंच चुके हैं बिटकॉइंस के सबसे रोचक पहलू पर, यानी इसकी कीमत पर, और यह है बिटकॉइंस की कीमत शुरू से लेकर अब तक। और जब कोई नया शख्स इस ग्राफ को देखता है तो वो कहता है कि क्या तुम देख नहीं पा रहे हो कि पिछले साल बिटकॉइंस के बुरे दिन रहे हैं, बिटकॉइंस तो अब समाप्त हो रहा है, अब तो बिटकॉइंस से दूर भागना ही ठीक है। लेकिन इतनी जल्दी नहीं। मैंने क्या किया है कि इस ग्राफ को भागों में बांटा है, जिन्हें मैं पिछले व्यापार उत्कर्ष चक्र यानी बूम साइकिल्स कहता हूं। चलिए सबसे पहले बूम साइकिल पर नजर डालते हैं, बिटकॉइंस का दूसरा साल 2010। और जब आप पहले बूम साइकिल पर नजर डालोगे तो ये सीधी दिख रही लाइन कुछ ऐसी नजर आएगी। तो 2010, जो कि बिटकॉइंस का सिर्फ एक साल था, मैं उसे पहला बूम साइकिल कहता हूं। बिटकॉइंस की कीमत कुछ सेंट से 39 सेंट्स पर पहुंची, और फिर ये कीमत गिरकर 19 सेंट्स पर आ गई। क्या आप यकीन करोगे कि जो लोग बिटकॉइंस के साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि बिटकॉइंस खत्म हो रहा है, तुम्हें दिख नहीं रहा, लेकिन मेरा जवाब पहले जैसा था? इतनी जल्दी नहीं, क्योंकि अगले साल बिटकॉइंस 19 सेंट से डॉलर तक पहुंचा, और यह बिटकॉइंस का सिर्फ तीसरा साल था, और बिटकॉइंस ने $28 तक की कीमत तक को छुआ, लेकिन एक बार फिर $2 तक की गिरावट दर्ज की गई। ऐसे में संशयवादियों को एक और मौका मिला फिर वही पुरानी बात कहने का कि बिटकॉइंस तो अब खत्म हो रहा है। 2012-2013 में $2 से बिटकॉइंस ने भारी छलांग लगाते हुए $230 तक पहुंचने में कामयाबी हासिल की, लेकिन फिर $66 पर आकर रुक गया।
2014 में $66 से कुछ ही महीनों में बिटकॉइंस $1,150 तक पहुंचा और फिर वापस गिरावट के साथ $180 पर आया और आज बिटकॉइंस की कीमत 250 से $300 है, जो कि वृद्धि की प्रवृत्ति की ओर है। ऐसे में इससे अच्छा वक्त क्या होगा बिटकॉइंस को खरीदने के लिए? जबकि पहले संशयवादी शोर मचा रहे थे कि बिटकॉइंस खत्म हो रहा है, 19 सेंट से $2, फिर $266 से $180 बिटकॉइन समाप्त हो रहा है, ये हम पहले भी सुनते रहे। लेकिन बिटकॉइंस पर लोगों को विश्वास था, जिन्हें हम बिटकॉइनर्स कहते हैं, और उन्होंने शिकायत नहीं की। बिटकॉइन को वेस्टर्न मीडिया ने बहुत कवर किया है, जैसे CNN मनी, वॉल स्ट्रीट जनरल, ब्लूमबर्ग, और मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि जेब पे पर हम इसके लिए काम कर रहे हैं ताकि इसे भारत में भी अच्छी खासी कवरेज मिल पाए। और अगर आपको बिटकॉइंस की कीमत देखनी हो तो आप बिल्कुल वैसे ही जैसे आप किसी भी राष्ट्रीय मुद्रा की कीमत को किसी भी मशहूर वेबसाइट जैसे गूगल, CNN, ब्लूमबर्ग पर देखते हो, इसे भी देख सकते हो। मैं संदीप गोयनका हूं और मैं जेपे का को-फाउंडर हूं। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि जेप्पे ने कई बिटकॉइन कंपनीज के कॉइन एजेंडा में जीत दर्ज की है। 2014 के इस कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए हमने जीत दर्ज की है, जो हमारे लिए हर्ष की बात है। बिटकॉइन हर साल वेगास में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित करता है और यहाँ पर कई जानी मानी कंपनी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेती है। तो अब आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि हम करते क्या है। हमने जेप्पे नामक एक ऐप बनाई है जो नए बिटकॉइनर्स के उपयोग करने के लिए बेहद आसान है। वैसे तो आपके लिए बिटकॉइन सीखने का अवसर है, लेकिन अगर आप बिटकॉइन में नए हैं और बिटकॉइन को समझना चाहते हैं तो आप जेप्पे ऐप को डाउनलोड करें और इस ऐप के जरिए आप बिटकॉइन खरीदने के साथ साथ उन्हें जमा भी कर सकते हैं। बिटकॉइन आपके फोन नंबर से जुड़े रहते हैं, ऐसे में आपको अपने बिटकॉइन को गंवाने का डर नहीं रहेगा। जैसा कि आपने खबरों में सुना होगा कि कहीं से भी बैठकर बिटकॉइन को दुनिया के किसी भी कोने में भेजा या पाया जा सकता है। जैसे कि आप अपने भाई को या फिर परिवार को बिटकॉइन भेजना चाहते हैं तो आप इस ऐप के जरिए ये बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और आज हम एक नई विशेषता इस ऐप में डालने जा रहे हैं। इस ऐप की मदद से आप फ्लिपकार्ट पर 10% की छूट के साथ खरीदारी कर सकते हैं और आपको 10% की छूट वाले वाउचर्स दिए जाएंगे। और आप जब भी बिटकॉइंस का उपयोग करेंगे तो आप इन वाउचर्स की मदद से फ्लिपकार्ट पर हर चीज खरीद पाएंगे। इतना ही नहीं, परसों होने वाले फरहान अख्तर के शो की टिकट्स आपको 90% की छूट के साथ मिलेंगी, यानी कि ₹1,000 की टिकट आपको सिर्फ ₹100 में मिलेगी अगर आप जेप्पे का इस्तेमाल करेंगे इन टिकट्स को खरीदने के लिए। अच्छी खबर यही नहीं रुक रही, अगर आप इस ऐप को डाउनलोड करते हैं और प्रोमो कोड आई लव बिटकॉइंस डालते हैं तो आपको ₹50 के बिटकॉइंस मुफ्त दिए जाएंगे। इसलिए जेप्पे पर नजर रखिए, लेकिन सबसे जरूरी है कि आप बिटकॉइंस पर नजर रखें। आप हमें फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं facebook.com/zeppe और twitter@zeppe। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त दिया और अपनी दिलचस्पी दिखाई, शुक्रिया।